मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते हो वीर अनेक। देशभक्ति के जोश और जज्बे से भरी इन पंक्तियों को माखनलाल चतुर्वेदी ने कलमबद्ध किया था। 20वीं सदी के पूर्वाध में जब देश में आजादी के लिए संघर्ष जोर पकड़ रहा था, तो ऐसे में अपनी लेखनी के जरिए राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व की छाप छोड़ने वालों में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम अग्रगण है। वे सुधी चिंतक, सुकवि और प्रखर पत्रकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियों में से एक थे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 को आज ही के दिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। शुरुआत से ही माखनलाल के अंदर भारतीय जनमानस के आजाद होने की तमन्ना गहरे तक पैठ बना चुकी थी। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। सितंबर 1913 में अध्यापक की नौकरी छोड़कर वो पूरी तरीके से पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। सन 1920 के असहयोग आंदोलन में और सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए वो जेल भी गए। माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर में आह्वान था, आइए गरीब और अमीर, किसान और मजदूर, उच्च और नीच, जीत और पराजित के भेदों को ठुकराइए, प्रदेश में राष्ट्रीय ज्वाला जगाइए और देश तथा संसार के सामने अपनी शक्तियों को ऐसा प्रमाणित कीजिए जिसका आने वाली संतानें स्वतंत्र भारत के रूप में गर्व कर सके। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी सुंदर चित्रण नजर आता है। माखनलाल चतुर्वेदी के बहुआयामी व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व की महत्वता बहुत ऊंचे शिखर पर प्रतिष्ठित है और सदैव बनी रहेगी। राजेश शर्मा की रिपोर्ट, डीजी न्यूज़।